नमस्कार, मैं हूं जॉय चौहान, चेस कोच, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। e4 e5 सिमेट्रिकल किंग पॉन ओपनिंग में आज हम सेंटर गेम के बारे में जानेंगे। e4 e5 और यहां पर वाइट ने खिलाए d4, e क्रॉस d4, और यहाँ पर जो सेंटर गेम कहा जाता है वो है queen क्रॉस d4। फिर एक मूव और भी पॉसिबल है, वो है c3। इसे डेनिस गैम्बिट कहा जाता है। इसमें गेम इस तरह d इंटू c3, bishop c4। यहाँ ब्लैक के पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर यहाँ पर जो मेरी चॉइस है वो है c इंटू b2 bishop इंटू b2। एंड जो यहाँ पर मूव याद रखने जैसी और बेस्ट मूव है वो है d5, bishop इंटू d5, knight f6, bishop इंटू f7, king इंटू f7, queen d8, bishop b4 चेक, फोर्स queen d2, bishop क्रॉस g2, knight क्रॉस g2 और re8। और ये जो पोजीशन है रफली इक्वल पोजीशन है, बट यहाँ से तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। देखेंगे थर्ड मूव queen d4। इसे सेंटर गेम कहा जाता है। ये ओपनिंग बहुत फेमस ओपनिंग नहीं है, ब्लैक थियोरेटिकली कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकली बहुत ही ब्लैक के लिए डेंजरस है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ब्लैक से खेलते समय कि एग्जिट आपको इसके सामने किस तरह खेलना है। NC6 बेस्ट मूव, नाइट को डेवलप किया और क्वीन पर अटैक किया है। और यहाँ पर queen a4 भी पॉसिबल है, पर जो मेन लाइन वो है queen e3। queen e3 क्यों खेला गया है? queen e3 का आइडिया है कि knight c3, bishop d2, और जल्दी से जल्दी लॉन्ग कैसल करना, queen g3 पे जाना और ब्लैक के किंग साइड पर अटैक करना। knight f6, यहाँ पर knight c3, यदि e5 करते हैं तो ng4 आ सकता है। सो nc3 बेस्ट मूव है। bishop b4, नाइट को पिन किया है, bishop d2, नेचुरल डेवलपमेंट, शॉर्ट कैसल एंड यहाँ पर लॉन्ग कैसल। यहाँ पर जो ब्लैक की मूव है सिंपल है, पर बेस्ट मूव है वो है rook e8। यदि rook e8 नहीं करेंगे और दूसरी कोई मूव ब्लैक यहाँ पर खेलेगा तो वाइट सिंपली queen g3 जा सकता है, उसके बाद bishop d3, knight f3, ng5 और किंग साइड इजीली अटैक कर सकता है। इस पोजीशन में वाइट के पास दो मूव है, एक bishop c4 भी है, बट जो ज्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग मूव है वो है queen g3। यहाँ पर वाइट ने पॉन सेक्रीफाइस दिया है जो e4 पर है, बट इसके बदले में उसे कॉम्पेंसेशन है और वो किंग साइड अटैक डेवलप कर सकता है। यहाँ पर ब्लैक के पास दो चॉइस है, एक चॉइस है rook क्रॉस e4 भी कर सकते हैं, ये भी बेस्ट मूव है जिसमें knight क्रॉस e4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि knight क्रॉस e4 आता है और ब्लैक यहाँ पर बेटर है। बट knight क्रॉस e4 में जो वाइट की यहाँ पर 8th मूव rook क्रॉस e4 में वाइट की जो बेस्ट मूव है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर f4 है। आइडिया है bishop e4, knight f3, ng5 और पॉन के बदले में वाइट को कॉम्पेंसेशन है। जो queen g3 खेला है 8 मूव में वाइट ने, यहाँ पर एक सिंपल मूव है पर वो भी बेस्ट मूव है। rook e4 जो हमने देखा वो भी बेस्ट है, बट knight क्रॉस e4 भी आप कर सकते हैं। knight क्रॉस e4, knight क्रॉस e4, rook क्रॉस e4 और c3।
सी3 का आइडिया है कि ब्लैक का बिशप पर अटैक है, और देन बिशप d3, नाइट f3 एंड g5 और किंग साइड अटैक। यहाँ पर ब्लैक के पास बहुत सारे चॉइस हैं। जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खेली जाती है वो मूव है बिशप f8, ये भी एक अच्छी मूव है। बिशप c5 भी पॉसिबल है, बिशप d6 भी पॉसिबल है, पर यहाँ पर जो मेरी चॉइस है वो है ब्लैक से बिशप e7। बिशप e7 का आइडिया है कि बिशप d3 जब आएगा तब हम फर्स्ट बिशप h4 करेंगे और उसके बाद रुक को e8 पे रिट्रीट कर लेंगे। और यह पोजीशन जो है वाइट को कॉम्पेंसेशन तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, और ब्लैक का स्लाइटली एडवांटेज तो इस पोजीशन में है। आज के सेशन में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें। चेस के विविध विषय के वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।